मेरी एक्ट्रेस तो कैटरीना पसंद थी मेरे को। गाइस हम इस वीडियो में ना बात करने वाले हैं राउंड ट्वेल्व के टीम के अंदर जो मेंबर्स हैं नाजिम, जैन, वसीम, उनको कौन कौन सी बॉलीवुड की हीरोइन पसंद है और साथ ही साथ उनका जीएफ के बारे में क्या ख्याल है। मैं आप सभी को कुछ उनका छोटे मोटे इंटरव्यू दिखाने वाला हूँ जिससे आप सभी को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इस तरह के अपडेट लाते रहता हूँ और शायद आप सभी को दिख ही रहूँगा कि मैं 1 मिलियन के कितने करीब हूँ। अगर आप एक सब्सक्राइब कर देंगे तो उससे ज़्यादा करीब हो जाऊंगा और आपके सपोर्ट की वजह से मेरा 1 मिलियन का सपना पूरा हो सकता है। तो अगर आपका सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं जाता चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फटाफट बेच फटाफट बेच, टाइम पास मत कर। आपको सबसे पहले बता दूं जो राउंड टूल की टीम है उनके फैन उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और जब भी उनका कोई वीडियो आता है तो धमाका मचा देता है और ऐसे में उनकी हर एक छोटी बड़ी बात जानना चाहते हैं। तो उसी तरह से मैं आप सभी के लिए लिखा हूँ कि जो राउंड टूल की टीम है नाजिम, जैन, वसीम, उनको बॉलीवुड हीरोइन कौन कौन सी पसंद है, तो आप सबसे पहले वो छोटा मोटा वीडियो देख लीजिए। मेरी एक्ट्रेस तो कैटरीना पसंद थी मेरे को, कैटरीना पसंद थी मेरे को। ये दुख का है खत्म होता बे। तो क्या आपने सबसे पहले देख ही लिया होगा कि जैन को कौन सी हीरोइन पसंद है, कैटरीना कैफ, जिनके अभी हाल ही के अंदर शादी हुई और लाखों लोगों का दिल टूट गया, यहाँ तक कि हमारे भाईजान का भी टूटा है। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मेरी दीपिका पादुकोण बहुत मारे कारण तो पसंद है, कोई शादी थोड़ी कर ली मैंने। अपना क्या है वो विराट कोहली, वो क्या है अनुष्का शर्मा, अनुष्का। तो देख ही लिया कि वसीम एंड नाजिम को कौन कौन सी हीरोइन पसंद है, एक को है अनुष्का और एक को है दीपिका जिनकी शादी हो चुकी है। यानी कि आपको बता दूं इनके टीम में जितने मेंबर हैं उनको सबको शादीशुदा हीरोइन पसंद है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, बस यही है। तो ऐसे में इस पर आपका ख्याल है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और कैसे में इनके बहुत सारे फैन इनके जीएफ के बारे में पूछते रहते हैं कि इनकी जीएफ कौन है, नाजिम की जीएफ कौन है, जैन की जीएफ कौन है, वसीम की जीएफ कौन है। तो ऐसे में आपको बता दूं उन्होंने एक बहुत ज्यादा प्यारा जवाब दिया जो सुनकर आप भी खुश हो सकते हैं अगर आप सिंगल है तो। आप सबसे पहले छोटा मोटा वीडियो देख लीजिए। लड़की पहले बात नहीं करती थी, हाँ अब थोड़ा बहुत मैसेज आते हैं, अब हम बात नहीं करते। पहले वो सकते थे, अब हम सकते। तो क्या आपने छोटा मोटा वीडियो देख लिया, किस तरह से उन्होंने बोला कि पहले वो हमें पसंद नहीं करती थी लेकिन अब उनके खुद मैसेज आते हैं अब उन्हें हम पसंद नहीं करते हैं। तो क्या ये सारी चीज़ों का एक ही जवाब निकलता है कि जिंदगी में कुछ भी करो क्या भी करो लेकिन बनो कुछ, क्योंकि आपकी बनने के बाद कदर होंगी, उससे पहले आपकी कोई कदर नहीं करेगा। तो जिंदगी में कुछ भी बनो लेकिन बनो जरूर, क्योंकि आपकी बनने के बाद ही कदर होंगी। जैसे कि आपने उनका जवाब सुन ही लिया होगा और ये जो भी उनको मैसेज कर रहे हैं उनके बनने के बाद मैसेज कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि दूसरों को थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिले।